लुंगी पुंगी में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मीवी ड्यू पॉड्स M30 और रियलमी टेक लाइव बर्ड 300 का कंपैरिजन। और दोनों के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों मैंने सेल में खरीदा था। ये मुझे 599 का पड़ा था, ये पड़ा था 1299, लेकिन कॉइन मिला के कम पड़ा था। तो देखते हैं कि हालांकि प्राइस ऑलमोस्ट डबल है इसका, तो कितना डिफरेंस है, क्या आप इससे भी इसको तक टच कर सकता है क्वालिटी के मामले में कि नहीं। इसमें भी कहते हैं बेस्ट ड्राइवर 10.5mm, इसमें 10mm। तो देखते हैं साउंड क्वालिटी क्या है। तो मैंने मीवी लगा लिया। मीवी का ये गाना सुनता है, केसरिया सुनने जा रहा हूँ मैं, केसरिया। देखें क्वालिटी कैसी है, फिर सेम गाना उसमें कंपेयर करेंगे कैसी साउंड है उसकी। ठीक है क्वालिटी, बेस थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का है। अब हम लगाएंगे ये वाला और फिर देखते हैं कि सेम गाना इसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसकी इक्वलाइजर मैंने सेट नहीं किया, ऐप खोली भी नहीं है रियलमी लिंक की। मीवी में इक्वलाइजर वाला सिस्टम नहीं आता है, कोई ऐप ही नहीं है, तो बैलेंस आई थिंक नॉर्मल होगी। देखते हैं। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। ये मीवी मेरे कान में घुसता नहीं है ठीक से, बार बार लगता है निकलने लग रहा है। ये रियलमी एकदम परफेक्ट फिट हो गया है, तो ये बहुत पॉइंट है इसका। ये सेम गाना सुनते हैं, ये काफ़ी लाउड है। मीवी में मैंने वॉल्यूम यहाँ तक कर रखी थी, उतना लाउड ये इतने पे ही है। डेफिनेटली इसकी साउंड बहुत बेटर है। बेस भी मतलब और बाकी साउंड भी लग रहा है, कई सारी चीज़ें बज रही हैं। थोड़ा डिटेल है उसमें, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है दबी दबी सी साउंड है मीवी में, तो ये एक चीज़ है। उसमें ऐसा लग रहा था बेस भी उतना क्लियर मतलब है, लेकिन उतना इसमें जो है ना डिस्टिंक्टिव साउंड है। ऐसा लग रहा है सब कुछ, सारी साउंड अच्छे सुनाई दे रही है। बेस भी लग रहा है कि ठीक है, मतलब सॉफ्ट है। उसमें ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा लगा कि थोड़ा सा फट रहा है बेस पर, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि क्या दिक्कत है। अब हम चेक करेंगे कि बेस किसका अच्छा है। तो पहले हम फिर से मीवी लगाएंगे, फिर देखते हैं। तो अब हम इसका बेस टेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए मैंने ये वाला लगा रखा है, ये रियलमी सी में है। तो आइए सुनते हैं। गजब है ये, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है मीवी वाला, कभी लेफ्ट डिस्कनेक्ट होता है, कभी राइट डिस्कनेक्ट होता है। ये एक इसकी प्रॉब्लम है। अभी देखिए एक ही बज रहा है सिर्फ, क्या बकवास है। जब डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप उसको आपस में पास में ले आइए, तो फिर रिकनेक्ट हो जाएगा। जब अगर फिर से नहीं हो रहा है अपने आप से, बेस आ रहा है ऑब्वियसली, पर देखते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों बेस। अब हम रियलमी वाला चेक करेंगे। इसकी फिटिंग रियलमी की बेहतरीन है, मज़ा आ जाती है। वाह भाई ज़बरदस्त बेस है इसका, बेस कुछ नहीं है इसके सामने सीरियसली। ये असली बेस एकदम क्लियर साउंड है, बेस एकदम क्लियर डीप। ये लिखा हुआ है डीप, पर ये कोई डोता डीप नहीं है, क्लियर डिफरेंस है। और बाकी साउंड भी काफ़ी क्लियर है। उसमें ऐसा लग रहा है बाकी साउंड दब रही है। तो हमने अभी साउंड क्वालिटी सुनी दोनों की, और सबसे बड़े दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो पहले ये है कि ये ठीक से फिट नहीं होता है। ऐसा लगता है ये जो कान का जो एरिया ये फुला देता है, कई बार लगता है थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, कान दुखने भी लगता है थोड़ी देर बाद। लेकिन ये घुसाते एकदम फिट हो जाता है बहुत आसानी से, और निकलता भी नहीं है उस तरीके से। पहली बात तो फिटमेंट की ये चीज़ है, तो फिटमेंट रियलमी की बहुत बढ़िया है। इसमें आज तक डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम नहीं देखी मैंने अभी तक, तो ये चीज़। और क्वालिटी में देखिए ऐसा है कि इसमें लिखा हुआ पावरफुल बेस है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है इसमें, लेकिन वो थोड़ा मफल्ड सा बेस है। और बाकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है ऐसा लगता है। इसमें सारी साउंड बहुत क्लियर है, और बेस भी बहुत ही तगड़ा इसमें है। मतलब ये भी नहीं कि बेस इसमें 10.5mm का ड्राइवर इसमें है, लेकिन इसमें सिर्फ 10mm है, लेकिन इसका बेस ज़्यादा है और क्लियर हाई डेफिनेशन बेस लगता है। इसमें थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी लो क्वालिटी है। अभी तो डील में मैंने 599 में लिया मीवी वाला, तो बिना डील के ये 600-700 का आता होगा। मुझे नहीं लगता 600-700 में भी, ये 599 में भी मुझे वो उतना वर्थ नहीं लग रहा है। मैं तो कहता हूँ वायर वाला ले लो, 599 में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको वायरलेस चाहिए ही चाहिए, तो आप ले सकते हैं इसको। 599 में मतलब एवरेज टाइप की क्वालिटी है। और अभी जिन लोगों ने सुना नहीं है और जो सस्ते हेडफोन यूज़ करते हैं उनको तो फिर भी ठीक लगेगा आई थिंक, बुरा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बेकार है, अच्छी एवरेज ठीक ठाक है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। और इसके सामने तो भाई मतलब है भी नहीं कि थोड़ा डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। इसकी साउंड में बेस भी मफल्ड है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ रैटलिंग कर रहा है, या कुछ बेस क्लियर नहीं है, या उसका पार्ट अंदर के रैटलिंग कर रहे हैं कुछ, तो क्वालिटी का भी कंप्रोमाइज़ है। तो हमारे कंपैरिजन में ये क्लियर विनर है, और ये बेस्ट है। तो एक अच्छी क्वालिटी के हेडफोन लीजिए, एक बार लीजिए, टेंशन खत्म। अब ड्यूरेबिलिटी में किस क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। अगर बाद में यूज़ करते रहेंगे, बाद में कुछ दिक्कत आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप मीवी वाला यूज़ कर रहे हैं और आपका एक डिस्कनेक्ट हो जाए, दोबारा डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको इन दोनों को आपस में थोड़ी देर ऐसे पास में थोड़ी देर रखना है, फिर वो फिर अपने आप रिकनेक्ट हो जाएगा, फिर कान में वापस लगा लीजिए। अगर आपको वाकई सस्ते में चाहिए, लेकिन 600-700 रुपये में, 700-800 रुपये के जितने का भी मिल रहा है, ये महंगा अगर है बिना डील के, तो इसको बिल्कुल ही मत लीजिए। 599 का फिर भी चलो आप ले सकते हैं, क्योंकि 600 रुपये में क्या ही मिलता है आजकल, तो उस हिसाब से ठीक है। अदरवाइज आपको वायरलेस की रिक्वायरमेंट नहीं है और बजट आपका 600 ही है, तो आप वायर वाले को अच्छे देख लीजिए। देखिए इन दोनों में माइक्रोफोन में, कॉलिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। एक चीज़ और है कि इसमें कोई ऐप नहीं है, इसमें रियलमी ऐप है। हालांकि मैंने ऐप यूज़ नहीं की थी दोनों को, और लास्ट टाइम इसमें बैलेंस पे ही था सिलेक्ट, तो आई थिंक उसी पे बज रहा होगा। आई थिंक बैलेंस इज नॉर्मल है। तो बेस बूस्ट वाला मैंने होने के उसके बाद भी बेस बहुत बेहतरीन है इसका। तो ऐप में आप सेटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। आईफोन की ऐप में ये नहीं चलेगा आपका, पर एंड्रॉयड की रियलमी लिंक ऐप में ये शो करेगा, तो ये एक इशू है। तो आईफोन में हालांकि गाना सुन सकते हैं बट ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐप में जो बेस बूस्ट और सेटिंग और बैटरी परसेंटेज वगैरह वो भी, हालांकि बैटरी बता देगा आईफोन कितना बैठ जाए इसकी। लेकिन ये वाली पता नहीं, मैंने इसकी रेटिंग देखी इतनी ज़्यादा है और लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा फिट हुआ है, मेरे कान में फिट ही नहीं हो रही है, मेरे कान छोटे हैं। कान में जब प्रॉपर्ली सेट हुआ तभी तो साउंड क्वालिटी आएगी। पर हाँ, मैंने अभी चेक करते हुए अच्छे से फिट करा था, ये नहीं कि इस वजह से बेकार आ रही साउंड क्वालिटी। इतनी रेटिंग इसकी ज़्यादा है, मेरे समझ में इतनी क्वालिटी नहीं जितनी इसकी रेटिंग है फ्लिपकार्ट वगैरह पे। 4.3, 4.4, 4. ये मतलब हर चीज़ में इसको बेहतरीन बना रखा है लोगों ने, पता नहीं ऐसा कि कैसे कर लिया इन लोगों ने। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, कई बार रेटिंग पे भी आप नहीं जा सकते। I mean, डब्बा तो दोनों का अच्छा है, वैसे डब्बे में तो कोई कमी नहीं है, दोनों का अच्छा है। जबकि इसमें ज़्यादा कार्ड वार्ड दिए हुए, इसमें टाइप-C ये पोर्ट है और इसमें माइक्रो USB ये चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा अच्छी है, प्रीमियम मटीरियल है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कम है। ठीक है, यही है। तो आई होप आपको पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बाय। तब तक के लिए लुंगी पहन के बजाइए पुंगी।